जैसे कि अगर आज कोई अगर घर से निकले मोटरसाइकिल से या खासतौर से बुलेट जो होता है, मोटरसाइकिल जो आती है बुलेट, फट 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 करते जाता है, जब वो निकलता है तो कुछ लोग कहते हैं यार क्या गाड़ी है यार, क्या इंसान है, क्या बंदा है, क्या पर्सनैलिटी है इसकी, तो कहते हैं काश मेरे पास भी होता। तो होता नहीं, वो गाता काश जब मेरी शादी होगी तो जहेज में कौन सी गाड़ी लेंगे, बुलेट लेंगे। ये गधा ये नहीं कहता कि अपनी कमाई से लेंगे, लेकिन किससे लेंगे, जहेज से लेंगे, सबका खैरात वाला माल लेंगे। ऐसा लगता है दुनिया का सबसे नंबर फकीर कौन है, यही दूल्हा जो होने वाला है, जो ख्वाहिश कर रहा है कि अपने जो है ससुर से क्या मांगेंगे, 2.5 लाख की गाड़ी जो है कितने में आती, बोले 4 साल कितने में आती, 2 साल। या अगर कोई दूसरे इंसान फोर व्हीलर से निकला घर से, यार काश मेरे पास भी जो है गाड़ी होता, तो काश कहता है, लेकिन किससे मांगेंगे, लड़की के बाप से मांगेंगे, जहेज में मांगेंगे, है कि नहीं। ये हो रहा है माशरे में, सारी चीजें हो रही है। लोग भी इतने बेवकूफ लड़की वाले हैं कि कहते हैं कि हम जमीन बेच कर सब कुछ के देंगे आपको, लेकिन हमारी बेटी से क्या कीजिए, शादी कीजिए। क्यों इतने कहते हैं, रिश्ता नहीं मिलता है जी जी। और लोग लड़की वाले ये भी कहते हैं कि रिश्ता नहीं मिलता है, तो रिश्ता मिलेगा कैसे, जब तक आप अपनी बेटी का जमीन में हिस्सा नहीं दीजिएगा रिश्ता नहीं मिलने वाला। ये आपको किताब की रोशनी बतला रहे हैं, कुरान और हदीस का मुताला करके बतला रहे हैं कि अगर आप अपनी बेटी के नाम से जमीन रखे हुए हैं, अगर लोगों को मालूम होगा कि फलां शख्स अपनी बेटी के नाम से जमीन है, सबसे पहले रिश्ता वही मिले। नौजवान जो मारपीट करेंगे, पहले हम शादी करेंगे, हम रिश्ता भेजेंगे, लेकिन कहते हैं कि बेटी के नाम से कुछ है ही नहीं है तो कहा क्या करें। लोग सबसे पहले यही सवाल उठाते हैं, अगर फलां की बेटी से हम शादी करेंगे क्या देंगे, है कि नहीं, क्या यार साहब यही होता है ना, सामने वाला तो यही पूछता है कि वो क्या देगा। तो जाहिर सी बात है, अगर हम अपनी बेटी के जो है नाम से अगर जमीन में हिस्सा नहीं देते हैं, तो फिर तो वही होगा कि 25 साल के बाद भी अपनी बेटी जो बैठी रहेगी, शादी होगी कि नहीं होगी पता नहीं, और राय क्यों, अगर हो भी गई तो 10 लाख रुपया खर्च कर दीजिए, है कि नहीं। मार्शल जो है फोर व्हीलर जो आजकल 10-20 लाख में आ ही रहे हैं, दीजिए जमीन बेच के दीजिए, वही जमीन अगर न बेच के उसी के नाम का कर देते वो जमीन, तो आज आपकी बेटी की शादी बिल्कुल आसान तरीके में और कम खर्चे में हो जाएगी। और हमने अपनी जिंदगी में देखा ऐसे ऐसे लोग बहुत मालदार हैं, बहुत पैसे वाला है, लेकिन अपने बेटी का निकाह जो है मस्जिद के अंदर किया है, बिल्कुल 2 kg जो है छुआरा ले आया, 300 रुपये में जो है सब निपट लिया, क्या हो गया 300 रुपये में शादी हो गई, खत्म मसला। कोई टेंशन नहीं कि बराती कैसे आएगा, उसके लिए कैसे खाने पीने का इंतजाम किया जाए, नाश्ता कैसे इंतजाम किया जाए, खाने पीने का कैसे इंतजाम किया जाए, ये तो जो है इस्लाम में है ही नहीं है, ये तो हमने गैर मजाहिब के लोगों को देखा देखी हमने ले लिया। क्या है, गैर मजाहिब के लोगों को देखा देखी क्या है, हमने उसको ले लिया, अपना लिया। दूसरी बात एक चीज, हम जो हमारे पास जो बच्चों की शिकायत है, लोगों की शिकायत आ रही है कि जो है अक्सर वो बेशतर बच्चे जो है जिनके पास मोबाइल है, नौजवान है, वो रात रात भर जो है फिल्में ड्रामे देखते रहते हैं, ये बहुत गलत बात है। ये उन बच्चों की गलती नहीं है बल्कि गलती उन गार्जियन की है जो कुछ बोलते नहीं। आप अपने बच्चों को रात में मोबाइल क्यों देते हैं, अगर उनके पास मोबाइल है तो उसे कहिए कि बेटा आप 10 बजे से पहले सो जाइए। यहाँ तो जो है मगरिबादी लोग सो जाते हैं, है कि नहीं, जैसे जो जुमा के दिन कष्ट में निकलते हैं मगरिबाद 7 बजे या 6:30 में, मालूम चला कुछ लोग खा पी के सो गए। मान लीजिए अगर जो 7 बजे भी सोते हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 11 घंटा कौन सोता है भाई, अरे पागल हो जाएगा। हम जो है अपनी बात बदला रहे हैं, हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं, अब सुनिए कि अपनी तारीफ कर रहे नहीं, हमारा रोजाना 11 बजे से पहले हम जो है यानी 11 बजे हम बिस्तर पे चले जाते हैं, सो जाते हैं। यहाँ से जो है 8:15 जो है समझिए कि 8 बजते बजते जो है सब कुछ खत्म हो जाता है, तब सब कुछ हो जाता है,
8:30 तक खाती फ्री हो जाते हैं, आधा घंटा जो है बात कर लेते हैं घर से, तो 9 बजे से लेकर 11 बजे तक 1 घंटा जो लिखते हैं और 1 घंटा किताबों का मुतारा करते हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं घर से। 11 बजे बिल्कुल सो गए, कभी उसमें ये होता है कि जो अहलिया की फ़ोन आएंगे तो 1 घंटा बात हो रही है, आधा घंटा बात हो रही है, तो अहलिया है बीबी उनसे बात करें बुराई की क्या खा रही है जो है अपने बच्चों की तरबियत सही की भाई। बहुत बच्चे जो है बहुत खराब हो रहे हैं, रात जो फिल्मों में और ड्रामे जो चीज देखते हैं ना वो मस्जिद मार के यहाँ डायलॉग मारते रहते हैं, इतने खराब खराब बच्चे हो गए। तो हंसने की बात नहीं है, जो लोग गार्जियन है उनको सोचना चाहिए कि भाई हमारे बच्चे खराब हो रहे हैं, हम समझते हैं हमारा बच्चा फिल्म देख रहा है, मोबाइल उनके पास है ना लंबा वाला मोबाइल है, तो ये खुशहाली मना रहे हैं। यही बच्चा आगे चल के आपकी नाफरमानी करेगा और आपको सबसे पहले घर से बाहर भगाएगा कि बेटा खास्ता घर में भगाओ या नहीं बाहर भगाओ, तब क्या कीजिएगा, समझ रहे हैं। और इसके साथ साथ औरतों के अंदर भी खराबियां आ चुकी हैं, घर के अंदर औरतें भी लड़कियां भी वो लोग भी आती है तो वो लोग बच्चों को डायरेक्ट मारती रहती है फिल्मों के डरा, तो फिर वही होगा कि एक मरतबा जो है 3 नौजवान शादीशुदा आदमी बैठा हुआ था एक जगह पे, तो एक ने कहा कि मेरी बीवी जब हमल से थी, हमल समझते हैं पेट से, तो मेरी बीवी जो है जुड़वा फिल्म जो है देख रही थी, क्या होती देखी थी तो जुड़वा बच्चा पैदा हुआ, कितने जुड़वा बच्चा पैदा हुआ। तो दूसरा शख्स कहने लगा इसकी शादी हुई थी, वो कहने लगा कि जब मेरी बीवी हमल से थी, तो दूसरा शख्स कहने लगा कि जब मेरी बीवी हमल से थी तो वो जो है 3 इडियट्स देख रही थी, कौन सी फिल्म 3 इडियट्स समझते हैं 3 इडियट्स, हाँ मजबान लोग देखे हैं कैश बाब, तो जो है मेरी बीवी की जो है 3 बच्चे पैदा हुए, कितने 3 बच्चे पैदा हुए। अब जो है तीसरा नौजवान बीच में बैठा हुआ था वो भागने लगा, तो उससे दोस्त कहने लगा मैं यार कहाँ भागा, रुको रुको, कह रहा है यार मेरी बीवी जो है अली बाबा 40 चोर देख रही है, जाके मना करता हूँ 40 बच्चे ने पैदा हुए तो समझ गए, तो ये बहुत खराब आदत है। बच्चों से भी कहते हैं और बच्चों के गार्जियन से भी कहते हैं और जो खवातीन सुन रही हैं उनसे भी कहते हैं कि लिहाजा अल्लाह के वास्ते इससे पना है, बहुत खराब चीज़ है, बहुत खराब चीज़ है, माशरे को तबाह बर्बाद कर जाए।